हाय एवरीवन वन मैं रूपाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू रूपाली किचन तो फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं खिली खिली साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी खिली खिली और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखने वाली साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी तो ये बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस साबुदाना बनके तैयार होता है आप इसे उपवास में बना सकते हैं अभी तो सावन चल रहे हैं तो आप आराम से बना के खा सकते हैं और सावन में अपनी वैसे भी नाश्ते में बनाएंगे तो भी बहुत ही डिलीशियस लगेगी एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो वीडियो में आगे बढ़ती हूँ और यहाँ पे मैंने लिए है साबुदाना एक कप के करीब साबुदाना लिया है और ये थोड़ा सा मोटा वाला साबुदाना मैंने यहाँ पे लिया हुआ है इसकी जगह आप बारीक वाला साबुदाना भी यूज़ कर सकते हैं पर यहाँ पे मुझे मोटे वाले साबुदानी की खिचड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं वहाँ पर वो यूज़ करी हूँ अब मैंने इसमें डाल दिया पानी और पानी डाल के हमें अच्छे से धो लेना है बहुत ज़्यादा साबुदानी को रगड़ना नहीं है बस थोड़ा थोड़ा सा कोमल हाथों से यूज़ करना है तो मैंने उसका पानी जो था वो थोड़ा वाइट वाइट हो जाता है उसको फेंक दिया अब मैंने इसमें डाला है पानी ये कर समझ लो कि आपको साबुदाने को थोड़ा सा पानी डालना है मतलब तो साबूदाने में पानी दिखे लेकिन ऊपर तक नहीं आना चाहिए साबूदाने में पानी ठीक है तो उसको डाल के मैंने भीगने के लिए रख दिया है दो घंटे के करीब हमने भिगाया है साबूदानी को आप देख सकते हैं साबूदानी ने पूरा पानी सो कर लिया है अब मैंने इसमें डाला है यहाँ पे सेंधा नमक क्योंकि ये वाला जो साबूदाना है मैं अपने लिए बना रही हूँ मेरा फास्ट चल रहा है सावन के तो उसी के लिए बना रही हूँ मैं और मैंने उसमें डाल दिया था आधा चम्मच के करीब शक्कर और शक्कर और नमक को इसमें डाल के इसमें मिक्स कर देंगे आप शक्कर को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप शक्कर डालना पसंद नहीं करते हो तो तो मुझे तो शक्कर डालकर इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है आप एक बार ट्राई करके देखिए तो यहाँ पे मैंने साबूदाने में नमक और चमक को मिक्स कर दिया है तो अब मैंने लिए है यहाँ पे कुछ बॉइल्ड पोटेटो दो बॉइल्ड पोटेटो उनको डाइस में कट कर, कर लिया हरी मिर्ची लिए और क्रश मूँगफली के दाने लिए हैं मैंने उनको थोड़ा सा मिक्सर में क्रश कर लिया था वो लिया है और हरा धनिया नींबू लिया है तो अब यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने लिया है थोड़ा सा घी तो मैं ये अपने लिए बना रही हूँ तो मैं इसे घी में बना रही हूँ आप चाहो तो इसमें मूंगफली के ऑयल भी यूज़ कर सकते हो अगर फास्ट के लिए बना रहे हो तो फिर यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है जीरा और डाल दिए दो हरी मिर्ची जिनको बारीक मैंने कट कर लिया था एक चम्मच के करीब जीरा डाला था उनको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद में जो आलू हमने बॉईल करके रखे हुए थे और कट करके रखे हुए थे वो डाल देंगे इसकी जगह आप चाहो तो कच्चे आलू को भी कट करके डाल सकते हो बस आलू को पहले पका लेना है लेकिन अगर उबले हुए आलू होते हैं तो जल्दी बन जाती है खिचड़ी इसलिए मैंने उबले उबे आलू यहाँ पर यूज़ किए हैं अब इन आलू में तो कोई स्वाद नहीं है इसलिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक स्वाद के अनुसार और मैंने यहाँ पे कुटी हुई कुछ काली मिर्च रखी थी वो डाली है यहाँ पे मैं लाल मिर्ची का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये उपास में शायद से यूज़ नहीं करते हैं पर मैं तो नहीं यूज़ करती कुछ लोग यूज़ भी करते हैं पर मुझे पता नहीं है मैं नहीं यूज़ करती तो मैंने वो नहीं डाला है अब डाल दिया जो हमने भिगाया हुआ साबुदाना रखा था वो डाल दिया है और फिर मूंगफली के दाने जो क्रश करके रखे हुए थे यहाँ पे चार चम्मच के करीब मैंने मूंगफली के दाने होंगे वो डाले हैं अब इन सबको हमें मिक्स कर लेना है मैंने यहाँ पे आज को बिल्कुल कम रखा हुआ है कम आज पे साबूदाने को आप जब फ्राई करेंगे धीरे धीरे उलट पलट करेंगे तो वो धीरे धीरे अपने आप ट्रांसपेरेंट हो जाएगा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हमें साबुदानी को ट्रांसपेरेंट करता है मतलब वही उसके निशानी होती है कि वो पक गया है तो यहाँ पे मैंने ढक के उसको कम से कम पाँच मिनट के लिए पका लिया फिर से और फिर से ऊपर नीचे मिक्स कर देंगे आप देख सकते हैं कि साबूदानी का कलर कितना चेंज हो गया है मतलब ये ट्रांसपेरेंट हो गया है तो यहाँ पे इसी तरीके से हमें बिल्कुल कम आँच में ही साबूदानी को पकाना है आँच को तेज मत कीजिए धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत बढ़िया साबुदाना बन तैयार होता है अब यहाँ पे ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा नींबू अगर आप चाहते हो तो डालिए नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं पर नींबू का भी टेस्ट अच्छा लगता है तो यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा नींबू और देखिए बढ़िया से डिलीशियस से हमारी साबुदानी की खिचड़ी अभी से कितनी बढ़िया लग रही है थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसमें और ये मेरी खिचड़ी जो है बन तैयार हो गई है बस ढक के मैंने इसे रख दिया था थोड़ी सी देर के लिए जो ढकने से और भी अच्छी वो सॉफ्ट हो जाती है और एकदम सॉफ्ट ये खिचड़ी बनी थी और घी से तो इसमें स्वाद के क्या कहने तो फास्ट नहीं भी हो ना तो भी ये खिचड़ी देखे आपका फास्ट करने का मन कर जाएगा इतनी ये डिलीशियस बनी थी सच में ट्राई करके देखिए और कई लोग जो बनाते हैं उनकी खिचड़ी जो होती है वो वाइट दिखते हैं साबूदाना तो वो उसकी निशानी होती है कि आपका साबुदाना अभी तक पका नहीं है तो जब से ही ये ट्रांसपेरेंट आ जाएगा आप देखिए कितना बढ़िया ट्रांसपेरेंट हो गया है यहाँ पे मेरी डिलीशियस से खिचड़ी बन के तैयार हो गई इसके साथ में मैंने लिया था दही और थोड़े से आलू के चिप्स और बस मेरा फास्ट हो गया अब मैं इंजॉय करती हूँ अपनी खिचड़ी और आप भी इस वीडियो को इंजॉय कीजिए और पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलती हूँ अगली वीडियो में बाय बाय